वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक स्मार्ट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, पार्ट 6 आज हम देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल की योजना, वेवेल जो थे वायसराय थे, और साथ में हम देखेंगे शिमला का समझौता, और हम देखेंगे फिर जो उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। हमने देखा था अब तक पार्ट 5 में, हमने देख लिया था कि 1935 का कितना बड़ा जटिल संविधान था, केंद्र में द्वंद्व शासन हुआ, प्रांतों को अलग कर दिया केंद्र से, प्रांतों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार, और इसी तरह 11 प्रांतों में चुनाव भी हुए क्योंकि 11 प्रांतों में विधानसभा बनी, 6 प्रांतों में विधान परिषद भी बनी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें घटनाएं घट रही थी 1935 में, ये मैंने सब आपको अच्छे से पिछली वीडियो में पढ़ाया है। दिक्कत कब हुई, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ये चाहेगी कि भारतीय पार्टिसिपेट करें, हमारा सहयोग करें, किसमें, युद्ध में, और भारतीय बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने गांधी जी के कहने पर सहयोग किया, निष्कर्ष क्या निकला, अंग्रेज़ों ने धोखा दिया। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध में तो बिल्कुल भारतीय अंग्रेज़ों की मदद नहीं करने वाले हैं, और जब ये जबरदस्ती भारतीयों को मजबूर करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए, तो 8 प्रांतों में जो सरकार बनी हुई है, कांग्रेस बहुमत से जीती थी ये भी मैंने बताया था, तो 8 प्रांतों की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, जिससे संवैधानिक संकट हुआ। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन हुआ, ये सब चीज़ें हमने देखी। इसी घबराहट में थोड़ा सा भारतीयों को खुश करने के लिए, या ये चाहते थे कि वो लोग और हमारे साथ युद्ध में पार्टिसिपेट कर लें, किसी भी तरह से आया क्या, क्रिप्स मिशन 1942 भारत में। ये जो इमेज देख रहे हैं ये आप उसी के दौरान की है। ब्रिटिश सरकार को ये तो लग गया था कि भारतीयों की मांगों को अब और टाला नहीं जा सकता क्योंकि अब भारतीय समझदार हो गए, विद्रोह करेंगे बराबर क्योंकि उन्हें अपना हक चाहिए। तो इसी के तहत सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया मार्च 1942 में। क्या कहा गया, जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा, युद्ध ख़त्म हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, वो चाह रहे थे कि युद्ध में पार्टिसिपेट कर लें, तो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो आपको नया संविधान बनाना होगा, नए संविधान आप अपना बना सकते हैं, और उसके लिए जब कोई संविधान बनेगा तो उसके लिए संविधान सभा भी गठित करी जाएगी, कुछ लोग गठित होंगे जो संविधान का निर्माण करेंगे, तो एक संविधान सभा भी गठित होगी जिसका चुनाव होगा। ठीक है, ये बात कही क्रिप्स मिशन में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान की रचना की या संविधान सभा के गठन की बात सर्वप्रथम कब हुई, क्रिप्स मिशन में ही हुई थी 1942 में। प्रांत जो पहले से ही अलग थे उनके लिए अलग संविधान की बात कही गई। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, वो भी अपनी तरह से अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि हमें हमारा अपना अलग राज्य, अपना अलग संविधान, ये सब चाहिए। मुस्लिम लीग चाह रही थी क्या कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो, जिसको नामंजूर कर दिया क्रिप्स मिशन में, तो वो भी साथ नहीं थे। गांधी जी भी कहीं ना कहीं इसका सहयोग नहीं कर रहे थे, बात की तिथि का चेक कहकर उन्होंने भी इसकी आलोचना की क्योंकि क्रिप्स मिशन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, सब क्या था, युद्ध के बाद, तो कहीं ना कहीं ये मिशन हो गया फेल, भारतीयों ने इसका विद्रोह किया, फिर आएंगी वेवेल योजना और साथ में होगा शिमला का एक समझौता जो भी फेल हो जाएगा। क्रिप्स मिशन तो फेल हुआ ही हुआ और कांग्रेस को ये विश्वास भी हो गया कि इन अंग्रेज़ों से कुछ भी उम्मीद करना व्यर्थ है। 14 जुलाई 1942 को जब भारतीयों को लग गया कि जब तक एक आंदोलन नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं, तो वहाँ शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका पहले बैठक होगी जहाँ पर बैठक में अंग्रेज़ भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, और ये बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये बैठक हुई कहाँ पर, 8 अगस्त 1942 में मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर ये बैठक हुई, अखिल भारतीय कांग्रेस की कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष थे मौलाना अबुल आज़ाद, जहां पर कहा गया अंग्रेज़ भारत छोड़ो आंदोलन होगा और जिसको पारित भी कर दिया गया, और उसी समय गांधी जी ने भी नारा दिया क्या, करो या मरो। क्वेश्चन आता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया, 1942 में दिया, इसी अधिवेशन में दिया जिस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी कलाम आज़ाद। ठीक है, आंदोलन पूर्ण रूप से शुरू कब हुआ, वो हुआ 9 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी कहा गया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में। ठीक है, और याद रखिए जब डेट भी पूछेगा तो आप 9 अगस्त ही बताएंगे क्योंकि ये शुरू जो हुआ
1942 9 अगस्त में ही हुआ था। अब जब इतने बड़ा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऑफकोर्स सी बात है वायसराय तो चेंज हो गई। तो जो वायसराय था 1943 तक लॉर्ड लिन लिथार्गो, उसके स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत आए। और सब वो जब वायसराय नया आता है तो वो अपनी कुछ नई योजनाएँ लेके आता है, तो वेवेल योजना, तो इसीलिए था वेवेल योजना। तो वायसराय ने अपनी वेवेल योजना प्रस्तुत की, क्या कहा कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद होगी जिसमें दो, एक वायसराय और कमांडर चीफ जो है वो तो अंग्रेज होंगे, बाकी सभी भारतीय होंगे, कि अब तक जो कार्यकारिणी थी वो समाप्त, अब एक नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी आप लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, जिसमें वायसराय और कमांडर चीफ तो हमारे ही होंगे, बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे, ऐसी बात वेवेल योजना में कही। दूसरी बात ये कही गई कि मुस्लिम लीग भी बहुत तकड़ा विद्रोह कर रही थी, तो ये बात भी थी कि जो कार्यकारिणी है उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, जो कि बात गलत नहीं थी, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। द्वितीय विश्व के बाद ये कहा गया भारत अपना संविधान बनाएगा खुद, और जब भारत अपना संविधान बनाएगा तो एक संविधान सभा का भी गठन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, जितने भी नेता थे गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें निरुद्ध कर लिया गया था, उनको रिहा किया जाएगा, ऐसी बात वेवेल योजना में कही गई। और साथ में शिमला में एक समझौता होगा, एक बैठक होगा, एक सम्मेलन भी बुलाया जाएगा, ये बात थी वेवेल योजना में। जब वेवेल योजना में कहा गया कि शिमला में एक सम्मेलन होगा, तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन बेसिकली हिंदू मुस्लिम को सांप्रदायिकता के आधार पर जो बंटवारा था उसको ख़त्म करना था, ऐसी कुछ बात होनी थी, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। सम्मेलन में मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो नियुक्ति होगी मुस्लिम सदस्यों की, वो सिर्फ वही चयन करेंगे, कौन, मुस्लिम लीग, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल एक अलग सी मांग रख दी उन्होंने कि हमारी जो सदस्य होंगे कार्यकारिणी में वो भैया हम ही चुनेंगे, हमारी लीग चुनेगी मुस्लिम लीग, जिसको अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने, सीधी सी बात है अस्वीकार करेगी। उस समय कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष थे कौन, अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये वेवेल योजना भी विफल हुई, शिमला समझौता जो उसने बात रखी थी वो तो पूरी तरह से इस योजना के तहत विफल हो गई। ये सारी घटनाएं घट गई 1945 तक, आज़ादी के बहुत करीब और अपना संविधान बनाने के भी बहुत करीब हम आ गए हैं। फिर आता है क्या, कैबिनेट मिशन, 3 सदस्यों का समूह भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन के रूप में, ठीक है। इसमें कुछ लगभग थोड़ी बहुत बातें अच्छी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया है समाप्त, और कांग्रेस और जो ब्रिटिश सरकार पहले थी वो गिर चुकी है, नई सरकार बनती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश में 1945 में सर क्विमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी सरकार बनती है। और वो सरकार क्या कहती है कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात हुई कि 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स से ये घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसा मैंने कहा कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों का था, तो 3 सदस्य कैबिनेट मंत्रियों का मिशन था, जिसमें कौन कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स था वो व्यापार बोर्ड का सदस्य था, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे भारत सचिव, ये मुख्य थे, इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के कौन, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, ये 3 लोग मिलाकर कहलाए क्या, कैबिनेट मिशन, जिसको मार्च 1946 में भारत भेजा गया, और ये 24 मार्च 1946 मिशन दिल्ली पहुंचा। ये देखिए जो इमेज है ये उसी के दौरान है, कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे याद रखिएगा, जिसमें भारत में क्या कहा गया कैबिनेट मिशन में, अब वो देखते हैं। संविधान सभा, संविधान बनाने की बात पहले ही हो चुकी है क्रिप्स में, ठीक है, वेवेल योजना में, तो उसको अब प्रैक्टिकल रूप दिया जाएगा कब, कैबिनेट मिशन में। यहाँ पर कहा गया कि भारत में तत्काल, अभी देखिए एक बड़ी सरकार तो आगे चल के बनेगी, लेकिन अभी के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। अंतरिम सरकार का मतलब यही होता है जल्दी में, अभी के लिए, जब कोई कंडीशन ख़राब चल रही है, जैसे कोई आंदोलन चल रही है, या अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय अंतरिम सरकार आती है। तो मतलब अभी विद्रोह चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है अपने अपने संविधान की, अपने उसकी, तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना करी जाएगी। संविधान, जब आप अपना संविधान चाह रहे हैं तो उसके लिए संविधान सभा का गठन भी होगा और खुद का संविधान होगा, ऐसी बात रखी गई क्रिप्स, सॉरी कैबिनेट मिशन में।
ठीक है, अब क्या क्या कहा गया कैबिनेट मिशन में, किसको लेकर कि कैसे संविधान सभा गठन होगा, उसके बारे में क्लियरली बताया गया कैबिनेट मिशन में कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। प्रांतीय विधानसभा, जो प्रांत है, प्रांत मतलब राज्य, जैसे आज हमारे 28 राज्य हैं, प्रांत थे, जो प्रांत में मैंने बता दिया 11 प्रांतों में विधानसभा थी, तो जो प्रांत में विधानसभा है और वो जो उन विधानसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा सदस्यों को सेलेक्ट करेंगे जो विधानसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष तो वो होता है जिसमें जनता इन्वॉल्व होती है, अप्रत्यक्ष मतलब जब विधानसभा के सदस्य, जब किसी सभा के सदस्य ही मिलकर सदस्यों का चयन करते हैं तो वो होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, जो सदस्य विधानसभा में चुने जाएंगे। अब विधानसभा में सदस्य चुने जाने के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि विधानसभा के लिए चुना जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्य द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर कह दी गई कि सब अपने समुदाय के सदस्य चुनेंगे, मतलब जैसे उस समय मान्यता प्राप्त समुदाय थे जैसे सामान्य, मुस्लिम और सिख, तो सामान्य अपने चुनेंगे, मुस्लिम अपने चुनेंगे, सिख अपने चुनेंगे। तो इस तरह से ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि कांग्रेस वाले अपने सदस्य चुनेंगे, मुस्लिम लीग वाले अपने और सिख वाले अपने, अपने अपने हिसाब से अपने अपने सदस्य चुने जाएंगे। जो देसी रियासत थी, देसी रियासत क्या थी, जो ना जिन्होंने ना ब्रिटिश सरकार को कबूला, ठीक है, ना भारतीयों को कबूला, अपनी अपनी रियासत चला रहे थे, अपने अपने नवाब कह दो या अपने अपने कुछ लोगों का समूह था, वो देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतों को ये कहा गया कि उनके लिए भी चुनाव होगा, कैसे, समझौता एक समिति होगी साथ में, जिसमें और देसी रियासतों की ओर से गठित भी एक समिति होगी, एक समझौता समिति और एक देसी रियासतों की समिति, वो मिलकर विचार विमर्श करेंगे, वहाँ से सदस्य चुने जाएंगे, ऐसी बात कही गई संविधान सभा के लिए। प्रांतों के लिए अलग संविधान का प्रावधान, क्योंकि प्रांत पहले ही अलग हो गए हैं, तो उनके लिए फिलहाल ये बात रखी गई कि अलग संविधान होगा, ऐसी बात कही गई। अब ये भी बता दिया गया जो संविधान सभा गठित होगी संविधान बनाने के लिए, उसमें कुल 389 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें सामान्य जो सदस्य होंगे, मतलब कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार वाले, ब्रिटिश प्रांत वाले, वो 213 सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य 79, सिख 4। ये बात बता दी कि संविधान सभा में इतने ऐसे ऐसे सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में 292, देसी रियासतों में 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि थे, जो प्रतिनिधि खड़े हुए मतलब बने, जो संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। कितने थे, 292 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है किसके लिए, संविधान सभा गठन होने के लिए। संविधान सभा में महिलाओं को भी वो मिला कि महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, सामान्य से 15 महिलाएं, एससी वर्ग की, अनुसूचित जाति की 26 महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की 33 महिलाएं शामिल होंगी किसमें, विधानसभा में। अब देखिए, प्रांतों को भी 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, एक तरफ हिंदू थे मतलब कांग्रेस थी, और एक तरफ मुस्लिम लीग थी, और एक तरफ कॉमन थे, बंगाल असम अलग थे। ठीक है, तो प्रांतों का विभाजन हो गया। वर्ग एम ए मतलब जहां पर कांग्रेस वाले राज्य थे, जैसे मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, संयुक्त प्रांत, ये सब हो गए। और दूसरी तरफ वर्ग व, जहां मुस्लिम लीग थी, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा, सिंध, ये सब मुस्लिम लीग के उसमें थे। वर्ग से था बंगाल और असम, वो अलग से शामिल थे। इस तरह से प्रांतों का भी विभाजन हो गया। ठीक है, और हर प्रांत अपने अपने हिसाब से अपने सदस्य चुनेगा। मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सदस्य निकल कर आएंगे, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश, सिंध से जो है मुस्लिम लीग के सदस्य चुनकर आएंगे। इस तरह से था। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जो सभा में सम्मिलित नहीं हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जैसे रियासत, तो देसी रियासत थी ना, हैदराबाद भी एक देसी रियासत थी, वो इनके साथ सम्मिलित नहीं हुई, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसमें, संविधान सभा के गठन में। तो ये सारी बातें रखी गई कैबिनेट मिशन द्वारा कि इस तरह से संविधान सभा का गठन होगा। आगे हम देखेंगे कि इसी बेसिस पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।